The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. फटाफट शुरू करते हैं कैटरैक का डिस्कशन. कैटरैक क्या है? कैटरैक एक ऑपरेशन है जिसमें के आपके कॉर्निया के पीछे वाला जो लेंस है, कॉर्निया आंख है पूरी की पूरी, आंख के अंदर लेंस है, लेंस से सबसे सामने कॉर्निया है, तो कॉर्निया भाई साहब के पीछे जो लेंस है वो हो गया है आपका ब्लरी. कॉर्निया में क्लाउडेडनेस आ गई है और ये कॉर्निया को ये जो लेंस है उसको हम निकाला जाए, उस क्लाउडेड लेंस को, कैटरैक को निकाल के रिमूव करके आपका दूसरा लेंस डाला जाता है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लेंस, IOL. तो ये होती है कैटरैक सर्जरी. कैटरैक सर्जरी भी लैसिक सर्जरी के जैसे आउट पेशेंट सर्जरी है और इसमें भी आपको कोई हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है. और आपके डॉक्टर कैसे, ज़्यादातर केसेस में आपको बिल्कुल सिर्फ नमिंग वाली मेडिसिन दी जाती है, लोकल एनेस्थेटिक देती हैं आई ड्रॉप पे, या फिर एक इंजेक्शन दिया जा सकता है. जी हाँ, इंजेक्शन आपके आसपास जिसको ब्लॉक बोलते हैं, उससे पेन ब्लॉक हो जाता है, कोई दर्द नहीं होता आपको, राइट. और एक दवाई दी जाती है आपको रिलैक्स होने के लिए, ऑब्वियसली रिलैक्स, आँख बंद करके रखोगे तो कैसे ऑपरेशन होगा, राइट, इसलिए रिलैक्स. और बच्चों को थोड़ा सा, छोटे बच्चों को जनरल एनेस्थेशिया देना पड़ सकता है क्योंकि बच्चे नहीं सुनते, नहीं रिलैक्स होते उस केस में. सो बच्चे को मतलब सुला देना पड़ता है, बेहोश नहीं करते, सुला देते हैं तो बेहोश ही हो जाते हैं इस तरीके से. सो डॉक्टर क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप के नीचे आँख को देखते हैं और आँख के ऊपर एक कट मारते हैं, छोटा सा इंसीजन मारते हैं, उसके बाद में वो कट मार के उसके अंदर ऐसा जाके लेंस को धीरे से निकालते हैं और लेंस को निकालते हैं और फिर उसके अंदर एक दो बहुत सारे तरीके हैं उसको निकालने को, लेंस को निकालते हैं. तीन तरीके हैं लेंस निकालने के. एक नंबर वन तरीका है फेको इमल्सिफिकेशन. फेको इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या, जिसमें कि डॉक्टर क्या करता है, एक टूल यूज होता है जो कि एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है. वो साउंड वेव से क्या होता है, जो कैटरेक्ट है, जो लेंस है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है और वो पीसेस को वो सक्शन करके निकाल देता है, जिसको बोलते हैं फेको, साउंड फेको इमल्सिफिकेशन. सिंपल, राइट, इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन मतलब टूट के छोटा छोटा होके निकल जाता है. ये इसमें बहुत छोटा सा इंसीजन चाहिए क्योंकि टुकड़े टुकड़े करके लेंस निकल रहा है, सिंपल. दूसरा है एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन. उसमें क्या होता है, डॉक्टर एक छोटा टूल यूज करता है जिसमें के आपका जो कैटरैक्ट है वो पूरे एक पीस में निकलता है. इसमें थोड़ा इंसीजन, चीरा जो है थोड़ा बड़ा लगता है. और थर्ड जो है वो है लेजर सर्जरी. लेजर में क्या करता है, डॉक्टर एक मशीन गाइड करता है जिससे एक लेजर एनर्जी यूज करते हैं, जिसमें के आपके कैटरैक्ट के ऊपर लेजर इसे इंसीजन मारते हैं, चीरे मारते हैं और उसको सॉफ्ट कर देते हैं. और इस सर्जरी में बिल्कुल फेको इमल्सिफिकेशन के जैसा है, छोटा छोटा करके फिर उसको निकाल लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं. इसमें लेजर यूज होता है इंस्टेड की काट के उसको, नाइफ यूज हो, राइट. और इसमें लेजर यूज होगा तो इसमें थोड़ा सा रिकवरी ज्यादा फास्ट हो जाती है. अब कैटरैक्ट निकाल दिया जाता है, उसके बाद क्या, यानी लेंस निकाल दिया जाता है, ये आंखों के बीच में से लेंस गायब, खत्म. अब आंख है खाली, उसमें लेंस नहीं है, लेंस बिना छोड़ नहीं सकते, तो आंख में आर्टिफिशियल लेंस IOL, इंट्रा IOL डालना पड़ेगा, ठीक है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस. अब इसमें क्या करेंगे ताकि लेंस से उसका जो इमेज है वो रेटाइना पे आए. सो उसके लिए क्या करते हैं, आंख के अंदर IOL अलग अलग टाइप के आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कौन सा IOL लगेगा. वो जाता है ऐसे बंद होके जाता है, अंदर जाके कप से खुल जाता है, वो खुल जाके उसको शेप दे, उसको सही पोजीशन पर रखते हैं और उसके बाद उसमें कोई टाके वाके की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट. आपका जो आँख के ऊपर है वहाँ पर छोटा सा इंसीजन लग सकता है, वो भी एक सेल्फ हीलिंग सूचर होता है जिसको पेनलेस होता है, उसमें कुछ मतलब आपको आगे चल के टाके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिमेंबर दैट, राइट. और इससे क्या होता है, लेंस से आपका अब विजन इम्प्रूव हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही रहेगा, राइट. इसका भी बिल्कुल आधे घंटे का प्रोसीजर है, ज़्यादातर ये एक आंख में, ज्यादातर एक ही बार में एक आंख में किया जाता है क्योंकि दूसरी आंख, इफ यू अगर दोनों आंख में है तो थोड़े दिन बाद, एक दो हफ्ते के बाद फिर से ऑपरेशन किया जाता है. सो ये हुई बात कैटरैक्ट के ऑपरेशन की. और ये भी ऑब्वियसली आपको याद रखना है, एक जिसका लेंस खराब हो जाता है, जिसके लेंस में वाइट वाइट दिखने लगता है, कैटरैक्ट हो जाता है, जिसको हम मोतिया बिंदु कहते हैं, जो भी कहते हो आप उसको, राइट, आंख में वो चीज हो जाती है तो उसको किया जाता है. और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कैटरैक्ट के साथ बॉर्न होते हैं, फिर बचपन में भी किया जा सकता है, ऐसा भी होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द चांसेस. इसमें क्या रिस्क होता है, इसमें ऑब्वियसली एंटायर लेंस निकाल रहे हैं, आपका लेंस फ्रैगमेंट निकाल रहे हैं और
सो रिस्क क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, परमानेंट विजन लॉस होने के चांसेस होते हैं रेयर में केस में, लेकिन होते हैं राइट. प्रोसीजर से पहले एज यूजुअल आपको कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आप अपने डॉक्टर से सारा कुछ डिस्कस करोगे, कौन सा लेंस लगाना है, कौन सा ये है, क्या है क्या है, पहले बाद में क्या दवाई चलेगी, ये सब डिस्कस करने के बाद ऑपरेशन करोगे. आफ्टर ऑपरेशन आपका पैच लगा हुआ रहेगा, आपके बाद में आने के बाद तक लगा रहेगा, आई ड्रॉप डालेंगे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के प्रिवेंट करने के लिए और हीलिंग के लिए.